हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल रोश। और जो आज की वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इतने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। बहुत सर्दियाँ आ चुकी है और मैं देहरादून में रहती हूँ, तो ऐसे टाइम पे हमें चाहिए हीटर। तो हमने सोचा, और हमारी फैमिली में एक न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है, तो फिर हमें हीटर की जरूरत पड़ने वाली थी। तो मैंने सोचा चलो इस पे भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना देती हूँ, और मैं ही जाऊँगी हीटर लेने, तो जो अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको पड़ जाए। मेरी जो रेंज है वो 8,000 to 9,000 है, और प्राइस में ज़्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बेबी की बात है, हमें तो फिर भी चल जाता है। तो मैंने काफ़ी सर्च किया कि मतलब बेबी के लिए, और मतलब 60 साल से ऊपर वाले भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मतलब जिनके स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उनके लिए कौन सा हीटर बेस्ट है। तो काफ़ी सारे हीटर हैं, काफ़ी सारे बहुत सस्ते भी हैं, मतलब आपको 1500 के अंदर भी आपको काफ़ी सारे हीटर मिल जाएंगे। बट मैंने सोचा कि जो मैं हीटर यूज़ करूँगी वो है ऑयल फील्ड। आपने पढ़ा होगा ऑयल फील्ड रेडिएटर, यानी हम इसे बोलते हैं OFR। इस टाइप के जो हीटर होते हैं, एक तो ये शॉक फ्री होते हैं, आप इन्हें कहीं भी छू सकते हो, आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा, ना आपको हीट महसूस होगी। नीचे इसमें व्हील लगे हुए होते हैं, तो आप कहीं भी इन्हें मूव कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि ये ऑक्सीजन को बर्न नहीं करता है, तो काफ़ी अच्छा। मैंने इसके रिव्यू देखे और मतलब काफ़ी सारे इसके एडवांटेज है, तो फिर मैंने सोचा कि यही वाला हीटर लेते हैं। तो थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं किस हीटर की बात कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देती हूँ इसके अनबॉक्सिंग की, और फिर इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसे कैसे यूज़ करना है। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों कुछ इस टाइप के वाइट कलर के बॉक्स में आपको आपका बजाज मैजेस्टी RH11F+ रूम हीटर मिल जाता है, जिसके फ्रंट में ही लिखा है 2 ईयर की इसकी वारंटी है। बॉक्स के साइड में इसके कुछ फीचर लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें 3 हीट सेटिंग्स है, नॉइसलेस ऑपरेशन है, मोबिलिटी काफ़ी अच्छी, इसमें 4 व्हील है, तो आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो। इसमें आपको 2 कलर वेरियंट मिल जाएंगे, ब्लैक एंड ब्लू, मैंने ब्लैक लिया है। अब जो प्रोडक्ट मैंने लिया है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। एक तो ये रूम हीटर है, मॉडल नेम है इसका बजाज मैजेस्टी RH11F+। इसमें 9 फिन भी आता है, 13 फिन भी आता है, 11 फिन मीडियम रूम के लिए काफ़ी अच्छा है। पावर की बात करें तो 2900 वॉट की पावर देता है, और जो इसका वेट है वो है 14 kg। ग्रॉस वेट इसका 16.76 kg है। 2900 वॉट कैसे यूज़ होता है उसकी बात आगे करेंगे डेमो के साथ, और अभी बात करते हैं MRP की। तो इसमें लिखा है 15,700 की MRP, बट ये आपको Amazon में 9,000 का मिल जाएगा। प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो जब कोई सेल लगी हो तभी भी आप ले सकते हो, तो ये और लेस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर देख सकते हो, 11/20/20 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, यानी कि ज़्यादा भी ओल्ड फैशन नहीं है, अभी ट्रेंड में ही है ये। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे लिखा है बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको एक रूम हीटर मिल जाएगा, वारंटी कार्ड मिल जाएगा, यूज़र मैनुअल मिल जाएंगे, 1 सेट ऑफ यू क्लैंप मिल जाएगा, और कैस्टर व्हील सेट मिल जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर है या नहीं। बॉक्स के अंदर से आपको एक वारंटी कार्ड और एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। इसमें सब लिखा है इसे कैसे सेट करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नेम काफ़ी सारे, और इनमें से हमारा जो मॉडल है वो है RH11F+। यहाँ पे जो 11 पिन है उसमें 2 मॉडल है, आप देख सकते हो, एक 2500 वॉट की पावर देता है और एक 2900 वॉट की। तो जो हमारा हीटर है वो 2900 वॉट की पावर देता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हीटर को अनबॉक्स कर लिया है, और डिज़ाइन आप देख सकते हो काफ़ी क्लासिक इसका डिज़ाइन मुझे लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी भी मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसके साथ जो व्हील्स मिले हैं उन्हें इस पे कैसे सेट करना है, ताकि आप इसे कहीं भी इजीली मूव कर पाओ। तो ये है वो व्हील जो हमें हीटर पे लगाने हैं। सबसे पहले आपको हीटर को उल्टा कर लेना है, यहाँ पे आप 2 नट देख रहे होंगे, इसके ऊपर हमें व्हील को सेट करना है। जो व्हील के कोने पे 2 होल्स है उसे हमें इसके ऊपर सेट करना है इस टाइप से।
अब इसके साथ जो आपको यू शेप क्लैंप दिए गए हैं स्टील के, उसे आपको नीचे से लेके जाना है और जो प्लेट के होल्स है उससे होते हुए बाहर निकालना है। फिर इसके साथ कुछ इस टाइप के बटरफ्लाई नट्स दिए हुए हैं, उनसे आपको इसे टाइट कर देना है। बस इसी तरीके से दोनों साइड के व्हील आपको सेट कर लेना है। लग गए टायर। बस दोस्तों व्हील्स लग चुके हैं और अब करते हैं इसे टेस्ट। तो आप देख सकते हो कितना इजीली ये मूव कर रहा है और आप इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जा सकते हो। कोई शॉक आपको नहीं लगेगा, ये पूरी बॉडी इसकी शॉक फ्री है, आप इसे कहीं भी टच कर सकते हो जब ये ऑन है तब भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हीटर के कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं हैंडल, इसे बोलते हैं थर्मोस्टेट, इसे बोलते हैं पावर इंडिकेटर और इसे बोलते हैं पावर स्विच। इसके नीचे बजाज की ब्रांडिंग की गई है। इसे बोलते हैं फैन स्विच और यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसके अंदर पंखा लगा हुआ है, इसे बोलते हैं सक्शन इनलेट। और ये है कॉर्ड वाइंडर और इसे बोलते हैं कैस्टर व्हील्स। और ये साइड में आप देख रहे होंगे टोटल 11 है, 11 पिंस इसे बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले इसके प्लग को आपको स्विच पे लगा लेना है, स्विच आपको ऑन कर लेना है। थर्मोस्टेट जो नॉब है उसे आपको मिनिमम से मैक्सिमम कर देना है और जो पावर स्विच है उसे भी आपको ऑन कर लेना है। अब पावर इंडिकेटर भी ग्लो करने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। अब स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आपको पूरा का पूरा 2900 वॉट यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको दोनों पावर स्विच और एक फ़ैन स्विच ऑन कर देना है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट स्विच है वो 1000 वॉट की पावर देता है, सेकंड स्विच भी आप ऑन कर लोगे तो वो 1500 वॉट की पावर देता है, तो टोटल 2500 वॉट हो गया। और अगर आप फ़ैन स्विच भी ऑन कर लेते हो तो जो फ़ैन स्विच है वो 400 वॉट की पावर देता है, तो टोटल मिला के 1000 प्लस 1500 प्लस 400 तो टोटल हो जाता है 2900 वॉट। और स्टार्टिंग में अगर आपका जो रूम है वो मीडियम से लार्ज है तो आप 15 से 20 मिनट सारी चीज़ें ऑन करके रख लो और खिड़की दरवाजे बंद कर लो। और उसके बाद जब एक बार आपका कमरा गर्म हो जाता है तो उसके बाद आप फ़ैन भी ऑफ कर दो और एक स्विच भी ऑन ऑफ कर दो। तो सिर्फ आप 1000 वॉट जो फर्स्ट स्विच है उसे ही ऑन रहने दो, उसी में आप हीटर यूज़ करो। कमरा काफ़ी गर्म रहता है और सोने से पहले आपको सारे स्विच ऑफ कर देना है, मतलब हीटर यूज़ नहीं करना है। यूज़र मैनुअल में सब चीज़ें लिखी हुई है इसे कैसे यूज़ करना है। जैसे इसके सामने कोई पर्दे उर्दे नहीं होने चाहिए, बेड शीट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, हीटर के आसपास थोड़ा सा स्पेस हीटर को आप दे दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हीटर को कभी भी ढके नहीं, इसमें लिखा हुआ भी है डू नॉट कवर। अब जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे यूज़ किया तो ऑयल एक्सपेंशन के कारण इसके फिन से टिक 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 की आवाज़ आ रही थी, बट वो नॉर्मल है। उसके नेक्स्ट यूज़ से बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई, पता ही नहीं चलता है हीटर यूज़ भी हो रहा है और कमरा जो है वो काफ़ी वार्म हो जाता है और बेबी भी बहुत आराम से सोता है, उसे कोई ठंड नहीं लगती है, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये हीटर लगा। दोस्तों ओवरऑल मुझे हीटर बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही इसे परचेस किया है। अगर आप भी इसी हीटर को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो वहां से भी परचेस कर सकते हो जहां पे आपको प्राइस सबसे ठीक लगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड